NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara Behta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट. नमस्कार, सिटी पोस्ट की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं अभिनव कुमार आपके साथ. इस समय हम मौजूद है हज भवन में. आज मुख्यमंत्री की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है इफ्तार का, और उसी कड़ी में आज हमारे साथ आलोक कुमार जी है जो कि जेडीयू प्रवक्ता है, उनसे बात करेंगे और जुड़ते हैं. सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है. धन्यवाद. सबसे पहला सवाल, की पहला ही क्वेश्चन ये कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन बीजेपी का कोई नेता यहाँ पे मौजूद? अरे भैया, आप लोग क्यों इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं? ये एक सौहार्द का पर्व है. कितने प्यार से लोग मिल रहे हैं वो देखिए. भारतीय जनता पार्टी ने भी इफ्तार का आयोजन किया, उनके यहाँ भी लोग जुटे हुए हैं. कल लोजपा का भी इफ्तार पार्टी है. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक दूसरे के यहाँ नहीं जा रहे हैं. सब अपने अपने जगह पे अपने अपने ढंग से स्वागत कर रहे हैं. इसमें राजनीति खोजने की कोई जरूरत नहीं. सर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस तरीके से केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ठीक है, लेकिन जेडीयू को सिर्फ एक सीट दिया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं चाहिए. लेकिन आज उस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन बीजेपी का कोई भी शामिल नहीं किया. ऐसा है, उसको इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है. बिहार में कोटा फिक्स्ड है. हमारे कोटे की 8 वैकेंसियाँ थी, उसको हमने भरा है. बीजेपी की भी कोटे की रिक्ति है, वो लोग आपस समय आने पर भरेंगे. इसीलिए उसमें राजनीति उसमें ही मत ढूंढिए. बिल्कुल अलग अलग विषय है. जैसा कि अराजक की तरफ से भी आज इफ्तार पार्टी बुलाया गया है सर, लेकिन जब उन्होंने पत्र दिया, सबको आमंत्रित किया, जितने भी बीजेपी की है, जितने भी जेडीयू के लोग, सबको आमंत्रित किया, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं था. कोई बात नहीं, अभी राजद की बात राजद जाने, हम लोग क्या जाने, हम लोग अपनी बात जानते हैं. क्या संजय जी, एक सवाल है, जिस तरीके से आपका भी नाम आ रहा था सर. अरे, हमारा नाम नहीं आ रहा था. आप लोग कहाँ सब चर्चा कर रहे हैं? कहाँ नाम आ रहा था, कहाँ सुने? अरे, दल के ही लोग बने ना, इसमें चिंता किस बात? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है नीतीश कुमार द्वारा सर, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी जदयू को सिर्फ एक मैंने कैबिनेट में जगह मिल रही थी, लेकिन नकार दिया. आज उसी तरीके से इस कड़ी में बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन बीजेपी का भी कोई नेता शामिल नहीं. क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 17 सांसद जीता, जनता दल यू का 17 में 16 जीता जी. एक को 17 में 5 मिले, एक को 1 मिले, 16 में 1 मिले, तो कहाँ का ये न्याय है क्या ये? लेकिन हम लोग मंत्रिमंडल में जाने के लिए कोई उतावले नहीं है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया, सवाल ही नहीं उठता है. एलाइज जब होता है ना, जब हमारा गठबंधन बनता है, तो उसमें पहले से सब तय होता है. इसलिए इसमें कोई चिंता का विषय नहीं. आगे का क्या आपका रूल रहेगा सर? क्या आप किस तरीके से एनडीए में? इंटैक्ट हमारा समर्थन तो है ही है भारतीय जनता पार्टी को. चलिए, कैमरा से कृष्णा के साथ अभिनव कुमार, पटना. क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में. आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. सॉट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.